गाइस, तो ये वाला जो है वो रियलमी का C35 है और ज्यादा कंफ्यूजन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे खुद बताया है कि रियलमी खुद अपने कंपटीशन में हर 2-3 वीक में नया स्मार्टफोन खड़ा कर देता है और इस स्मार्टफोन को देख के बिल्कुल आपको फील आ रही होगी कि ये कोई आईफोन का छोटा भाई है जो किसी मेले में खो गया था। बिल्कुल उसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आता है। कुछ दिनों पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो यहाँ पे ये वाला जो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाला है, यहाँ पे रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग एक कंबाइंड आप समझ लो, जिससे आपको लेने में थोड़ी सी एक आसानी हो जाएगी कि ये आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। जितना मैंने 10 दिन 5 दिन इसको यूज किया है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। तो रियलमी की जो सी सीरीज है वो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन सीरीज है। तो ये 12,000 रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च किया सी सीरीज का आई थिंक पहला स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ रियलमी ने इसके साथ तय किया, चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं एक क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ, जहां पे बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, सिम इंजेक्टर टूल, इसी के साथ डिवाइस देखने को मिलता है, 18 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक है और यूएसबी टाइप सी केबल आपको देखने को मिलती है और दैट्स ऑल। यहां पे कोई भी टीपीयू केस आपको बॉक्स में नहीं देखने को मिलेगा फोन के लिए। और इसी के साथ मेरे पास जो फोन है वो है ग्लोइंग ग्रीन, इसमें आपको ग्लोइंग ब्लैक भी देखने को मिल जाता है, मतलब हर तरफ ग्लो 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 करना जरूरी है भाई लाइफ में। इसी के साथ ये फोन 189 ग्राम का है और 8.1 mm की थिकनेस पे आता है। अगर ऑनेस्टली कहूं तो थोड़ा सा हायर साइड डेफिनेटली लगता है क्योंकि 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी के साथ हमने 178 ग्राम पे आने वाले फोन भी देखे हुए हैं। अगर पहली ही नजर में इसकी यूएसपी या फिर की हाईलाइट पॉइंट की बात करूं तो ये डेफिनेटली इसका डिजाइन होने वाला है। ये किसी भी सस्ते आईफोन से ज्यादा कुछ नहीं लगता। हालांकि ये फोन कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है लेकिन फ्लिपकार्ट पे 32,000-33,000 लोगों ने रेटिंग दे रखी है, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने इसको खरीदा है उनमें से 80-85% ऐसे लोग होंगे जो वाइस की मोहिनी सूरत पे फिदा हो गए होंगे। डेफिनेटली इसका जो डिजाइन है वो बहुत बहुत ही सही है। इस प्राइस रेंज में इवन मैंने इतना अच्छा डिजाइन नहीं देखा। रिसेंटली मेरे पास मोटोरोला का G32 आया था, ये भी फ्लैट एजेस ग्लोसी बैक के साथ आता है और आगे की तरफ उतनी ही बेजल्स भी आपको देखने को मिलती है जितनी उसमें देखने को मिलती है और आगे की तरफ उतनी ही चिन भी आपको देखने को मिलती है जितनी आपको C35 में देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन जो है उसके मामले में C35 और एक कदम आगे चला जाता है। लेकिन ये जो डिजाइन है वो डेफिनेटली फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट इस पे आने वाले। ऊपर की तरफ बिल्कुल सपाट है, मतलब आपको सेकेंडरी माइक इसमें नहीं देखने को मिलता है। फिर भी मैंने इसके साथ कॉलिंग करी है, कॉलिंग के दौरान सामने वाली पार्टी को इतना ज्यादा साउंड नहीं जाएगा कि इससे डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि प्रीमियम तो ये डेफिनेटली लगता है। और इसी के साथ आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसमें 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड अपना डाल सकते हो, मतलब 5G फोन ये नहीं है, 4G पे आपको देखने को मिलता है, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। और इसी के साथ 15-16 प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी आपको इसमें देखने को मिल जाता हैं कोस्ट मैनेज करने के लिए, जिसको हम अपनी दुनिया में बोलते हैं ब्लोटवेयर। तो इतने सारे आपको भरे हुए देखने को मिलते हैं लेकिन आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और उसके बाद बात करता हूं मैं इसके डिस्प्ले की, तो यहां पे आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये किसी भी प्रकार के हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करती है, नॉर्मल 60 पे ही ये चलती है। 600 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस इसमें रियल में आपको प्रोवाइड करता है। अब कमी यहां पे ये आ जाती है कि इसी प्राइस रेंज में जैसे Redmi Note 11 है जो आपको 12,500 रुपए की प्राइस रेंज में आफ्टर डिस्काउंट मिलता है, वो आपको सुपर एमोलेड 90Hz प्रोवाइड करता है, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ा जंप है। और यहाँ पे आईपीएस एलसीडी के साथ भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। और इसी के साथ आपको इस डिस्प्ले में वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। मुझे हमेशा से इस चीज पे डाउट रहता है कि इस प्राइस रेंज में फोन लेने वाले क्या नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्या, तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर डेफिनेटली लेते हैं तो सही है, और नहीं लेते हैं तो इस पॉइंट को बार बार कंसिडर करने का मतलब नहीं है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। तो हम अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका देखने को मिलता है। भाई वो दिन कब आएगा जब हम 100% पे पहुंच जाएंगे, बहुत सालों से भाई 90-92 पे अटके पड़े हुए हैं। और इसी के साथ इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है पांडा ग्लास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है जिसके चलते इसकी जो स्पीड है वो फिजिकल होने की वजह से फास्ट आपको देखने को मिलती है। तो अब मैं जितने स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं ना उतने स्पेसिफिकेशन आपको रियलमी के फोन में इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जैसे बोल रहा था बहुत सारे कंपटीशन रियलमी खुद के साथ ही खड़े कर देता है, बिल्कुल उसी टाइप से कि मेरी लड़ाई खुद से है दूसरों से नहीं। और उसके बाद बात करूं मैं इस फोन के पावर की, तो यहां पे यूनी एसओसी टाइगर T616 देखने को मिलता है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक के प्रोसेसर होते हैं। यूनी एसओसी भी एक ब्रांड है जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग करता है और इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के जो अंतु बेंचमार्क स्कोर है वो ऑलमोस्ट 2,25,000-2,30,000 निकल के आते हैं। माली G57 वाला जीपीयू आपको इसमें देखने को मिल जाता है और इस फोन पे जो स्क्रीन डाली गई है वो है Realme UI 2.0 R एडिशन। अब बेसिकली ये 3.0 भी नहीं है, ये 2.0 भी नहीं है, ये 2.0 का भी एक लाइटर वर्जन
वर्जन है बेसिकली प्रोसेसर जो है ना वो अच्छे से इन चीजों को हैंडल कर पाए, इसलिए रियलमी यूआई 2.0 में जितने एनिमेशन वगैरह थे ना उनको हटा के एक सादा सा रूप तैयार किया गया है और इसको रियलमी ने नाम दिया है आर एडिशन। तो बेसिकली ये आर एडिशन पे चलता है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे मिलता है आपको। और इस प्राइस रेंज में बहुत ना के बराबर फोन होंगे जो आपको एंड्रॉइड 12 पे देखने को मिलेंगे, जैसे 10,000 में मोटोरोला G22 एंड्रॉइड 12 को लेके आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इकलौता फोन है। LPDDR4X बेस्ड रैम और EMMC बेस्ड स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, और ये जो EMMC स्टोरेज होती है ये UFS के नीचे कहीं स्टैंड करती है। और इसके साथ आपको 4GB 64GB और 6GB 128GB वाले रैम वेरिएंट स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड के थ्रू। तो प्रोसेसर के बारे में बताऊं तो स्मूथ है, फास्ट है, आर एडिशन होने की वजह से ये काफी ज्यादा फास्ट फील होता है, लेकिन अगर आप इस पे गेमिंग करना चाहोगे तो स्मूथ पे हाई सेटिंग्स पे कर सकते हो, 30 FPS आपको देखने को मिल जाएगा BGMI में, तो ऐसी कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं और कहीं कहीं फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी सी ज्यादा देर गेमिंग करते हो तो। और अब हम बढ़ जाते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की ओर। यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, 50 MP के प्राइमरी सेंसर, 2 MP के मैक्रो सेंसर और 0.3 MP के BMW सेंसर के ज्यादा आता है ब्लैक एंड व्हाइट वाइट, तो बाकी दो तो बिल्कुल फालतू से हैं। और आगे की तरफ आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फोटोज की मैं बात करूं तो बहुत ही डिसेंट फोटोज आते हैं, ऐसे बोल सकते हो कि आपको एवरेज रेशियो से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे ही देखने को मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर काफी ठीक ठाक फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेल्फी में भी इतना कुछ बहुत खास नहीं काम किया गया है। इसी प्राइस रेंज में आने वाले फोन और इससे ज्यादा बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। 1080p 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकता है और फ्रंट से सिर्फ 720p पे ही रिकॉर्डिंग कर पाएगा, यहाँ पे आपको 1080 का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यार ये बहुत ही एक बड़ा डाउनग्रेड है। हाय गाइस, ये है 720p 30 FPS और ये इसका मैक्सिमम है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। गाइस, ये है 1080p 30 FPS, से एक आइडिया लगाओ कैसा है ये। ये 12,000 रुपए की प्राइस रेंज इतनी कम भी नहीं होती है कि हर एक दूसरी चीज के साथ कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दिया जाए। इसके साथ 5000 mAh की बैटरी है, 18 V की फास्ट चार्जिंग है, USB Type-C है, तो नो कंजूसी एट ऑल, यहाँ पे काफी ठीक ठाक काम किया गया है रियलमी की ओर से। और अब बात करो इसके प्राइस की, तो 4GB 64GB के लिए रियलमी ने इसकी प्राइस रखी है 11,999 रुपए, मतलब 12,000 रुपए। करंटली जब मैं वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो अभी के लिए इस पे कोई खास डिस्काउंट मिल नहीं रहे हैं। 12,000 रुपए का ये फोन है और 12,000 रुपए में मुझे लगता है रियलमी नार्जो 50 जो रियलमी की तरफ से ही एक चॉइस है वो आपको बहुत बहुत बेटर आपको देखने को मिल जाता है हर मामले में, चाहे आप प्रोसेसर की बात कर लो, चाहे आप डिस्प्ले की बात कर लो, किसी भी चीज की बात करो। लेकिन आप कोई बेस्ट ऑप्शन देख रहे हो इस प्राइस रेंज में तो आफ्टर डिस्काउंट रेडमी नोट 11 जो है ना वो आपको 12,499 में देखने को मिलता है और इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड 90Hz की डिस्प्ले और इसके साथ बेटर कैमराज आपको देखने को मिल जाते हैं, सारी चीजें जो है वो उसमें कहीं ज्यादा बेटर है। तो अपना एक मोटो है, सच कहना सुखी रहना। तो बेसिकली यही था एक रिव्यू इसी C35 के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये कुछ मेरे इंप्रेशन है C35 को लेके और इस प्राइस रेंज को लेके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई है कुछ कुछ मामलों में। सिंगल स्पीकर है, नॉर्मल IPS LCD ही डिस्प्ले है, प्रोसेसर भी इतना कोई बहुत खास नहीं है, आर एडिशन दिया है जो लाइटर वर्जन है, कैमराज भी इतने खास नहीं देखने को मिलते हैं। सिर्फ इस फोन की जो USP है वो एक इसका बैक डिजाइन है, इसके अलावा शायद कुछ नहीं। तो दैट्स ऑल यार, लाइक से सब्सक्राइब करना बनता है और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तक के लिए बाय।